तो आज हम बनाएंगे घर पर ही टेस्टी पिज्जा, जिसके लिए मैंने ये डो ले लिया है। अब ये डो कैसे बना आप और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो इसे मैंने परफेक्ट पिज्जा बेस की तरह बेल लिया है और इस प्लेट पे मैं निकाल कर रख लूंगी, जिस पर मैंने पहले से डस्टिंग की हुई थी, और फॉर्क की मदद से छेद कर लूंगी ताकि हमारा जो पिज्जा बेस है वो फूले ना। अब प्लेट के सहित मैं प्री हीटेड पैन में उसे रख दूंगी और एक साइड से हल्का हल्का एकदम सेक लूंगी इस तरीके से, और दूसरे साइड से पैन में रखकर डायरेक्ट लाल कर लूंगी। तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, जिस पर मैंने लाल वाले साइड ही लाल लाल पिज्जा सॉस भी लगा लिए, और मेरे पास ये चीज़ क्यूब था तो उसे मैंने अच्छे से घस लिया ताकि अंदर भी थोड़ा सा चीज़ का फ्लेवर अच्छे से आए। एंड टॉपिंग के नाम पर सिर्फ थे प्याज और टमाटर, तो मैंने वही लगा लिए, आप और भी लगा सकते हैं। और ये सस्ता ओरिगैनो भर भर कर मैंने यूज़ किया और बचा हुआ चीज़ भी उसके ऊपर ग्राइंड कर लिया। तो अभी इसे हम रख देंगे 5 मिनट के लिए पैन में, एंड हमारा ये पिज्ज़ा बनकर तैयार है।